देखिए स्टूडेंट, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अपकमिंग HSSC एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो देखिए, टॉपिक हम डिस्कस करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए स्टूडेंट, जिस तरह से मान लीजिए आपके पास 1+4√3 आयोटा, फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों हमारे पास 1+4√3 आयोटा, और हमें इस नंबर का जो है स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों क्या रहेगा। मान लीजिए, माना या लेट स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्स प्लस आयोटा वाई, दैट इज रूट ऑफ 1+4√3 आयोटा इज एक्स प्लस आयोटा वाई। मान लीजिए कि इसका जो वर्गमूल है, क्योंकि बच्चों ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वर्गमूल आएगा वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, इसलिए मैंने इसको एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में मान लिया। देखिए बच्चों, अभी हम जो मेथड करने वाले हैं वो कंप्लीट बेसिक करेंगे, इसके बाद मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताने वाला हूँ, और उस ट्रिक से ये आपका क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा। बट वो ट्रिक करने के लिए आपको बेसिक इसका जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम 5 मिनट पहले इसके बेसिक पर लेंगे, उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है वो 2 से 3-4 सेकंड के अंदर निकाल पाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए बच्चों इसका स्क्वायर रूट x प्लस आयोटा वाई है। x प्लस आयोटा वाई क्यों लेट किया हमने, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट रहेगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए बच्चों। इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1+4√3 आयोटा। उधर स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy। यहाँ से इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमें पता है बच्चों -1 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। इधर है 1+4√3 आयोटा। अब देखिए बच्चों, लेफ्ट और राइट साइड पर ज़रा ध्यान दीजिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम देखें, विदाउट आयोटा जो पार्ट है वो 1 है, और इधर जो विदाउट आयोटा पार्ट है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। यहाँ पे आयोटा वाला जो पार्ट है वो 4√3, और यहाँ पे ये है, इसको कहते हैं बच्चों रियल पार्ट। तो रियल और ये रियल, इधर इमेजिनरी तो ये इमेजिनरी। अब हमें पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी इमेजिनरी। तो यहाँ से इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करने से हमें मिलता क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 2xy इज इक्वल टू 4√3। क्लियर है बच्चों, यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दोबारा हम यहाँ पे एक बार आ जाते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 1, एंड इक्वेशन नंबर 2 है कि 2xy इज इक्वल टू 4√3। इसको सोल्व करते हैं बच्चों, हमें एक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी आ रहा है, क्लियर फेस आ रहा है, एक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी हमें पता है बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4xy2। यहाँ से वैल्यूज डाल दीजिए बच्चों, इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, 1² प्लस ये जो नंबर है 4x²y², दिस इज स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 48,
49 आ गया बच्चों, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर जो है 49, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कितना आ गया बच्चों, 49। और ये इक्वेशन हमें क्या कह रही है कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। बच्चों देखिए, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, अभी क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा होगा, जैसे मैं आपको शुरू में ही बता करके चला हूँ कि क्वेश्चन आपका 2 से 3 सेकंड में हो जाने वाला है, आप थोड़ा शांति रखें, 2-4 मिनट में के अंदर ये बात हमारी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे क्वेश्चन आपका 1 या 2 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, तो थोड़ा पेशेंस और रखें आप ज़रा। यहाँ से इन दो इक्वेशंस को आप ऐड कर देंगे तो 2x स्क्वायर जो है वो आपका आ जाएगा 15, 25, तो x इज क्या हुआ सर, 49 करोड़, हाँ 7 आएगा जी, यहाँ आएगा 7, रूट करेंगे तो ठीक है जी, थैंक यू। तो यहाँ इसको 2x स्क्वायर इज 8, तो x इज प्लस माइनस 2। यहाँ से x की वैल्यू बच्चों हम रख लेंगे किसी भी इक्वेशन में, जैसे यहाँ पर रख लीजिए इक्वेशन नंबर 2 में रख लीजिए, 1 में रख लीजिए, जहाँ से आप इजीली y निकाल सको। तो यहाँ पे 2xy हमारे पास क्या है, 4√3, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, 2 × 2 4√3, तो वी विल गेट y इज इक्वल टू √3। तो देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ से क्या मिल गया कि x हमारा जो है वो कितना आया था 2 प्लस माइनस, और y कितना है प्लस माइनस √3। अब आंसर हमारा क्या था, स्क्वेयर रूट हमारा क्या था, x प्लस iota y। वैल्यूज अगर हम डाल देंगे तो 2 प्लस वाई की जगह √3 आयोटा, और सारे के सामने क्या था, प्लस माइनस। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, हमने क्या कहा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें स्क्वेयर रूट निकालना था, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वेयर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, इसलिए मैंने कहा कि इसका स्क्वेयर रूट मान लीजिए कि x प्लस आयोटा वाई है, तो स्क्वेयर रूट ऑफ दिस नंबर इज x प्लस आयोटा वाई। बोथ साइड्स अगर आप स्क्वेयर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर स्क्वेयर करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वेयर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab, वो फार्मूला हमने लगा दिया। आयोटा स्क्वेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 1। रियल पार्ट रियल के इक्वल रख लिया, कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स के इक्वल रख लिया, या इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल रख लिया। यहाँ से हम एक इक्वेशन मिली और एक इक्वेशन ये मिले, ये दो इक्वेशन हम यहाँ लेकर के चल पड़ते हैं बच्चों दोबारा से। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ये है, 2xy ये है। अब ये एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी हमारे पास होती है, इसमें इन दोनों की वैल्यूज रखने से हमें यहाँ से देखिए बच्चों x की वैल्यू मिल गई 2, और x की ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखने से हमें y की वैल्यू मिल गई, और x और y दोनों रखने से हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, स्क्वेयर रूट मिल गया। बट आपको डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, हमें क्वेश्चन को ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं यहाँ से आपको देखिए एक चीज़ बताता हूँ, आप इन दोनों को थोड़ा शॉर्ट कैसे करेंगे, यहाँ से एक चीज़ समझने की कोशिश करो बच्चे ज़रा। स्क्वेयर रूट आपने किसका निकालना था, 1 + 4√3 आयोटा का निकालना, इसका स्क्वेयर रूट निकालना था। कंपेयर कीजिए बच्चों, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर क्या आया, 1, और 1 क्या था इसका, रियल पार्ट। 2xy क्या आया हमारा, 4√3, और 4√3 क्या था इसका, इमेजनरी पार्ट। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये हमें हमेशा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर देगा, और ये नंबर हमेशा हमें 2xy देगा। आप यहाँ तक समझ गए बच्चों, ये सारा जो प्रोसेस है हम इसको शॉर्ट करके, इसको काट करके, इस पूरे प्रोसेस की जगह हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा हमेशा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर हुआ करेगा, और ये नंबर हमारा हमेशा 2xy होगा। उसके बाद जस्ट छोटा सा हमारा काम बच जाता है बच्चों, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, वो भी हम शॉर्ट में निकालेंगे, एल्जेब्राइक आइडेंटिटी का यूज नहीं करेंगे। देखिए कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, आपको स्क्वेयर रूट निकालना था 1 + 4√3 आयोटा। जैसा मैंने अभी आपको डिटेल किया बच्चों कि ये जो नंबर रियल जो पार्ट होगा वो हमेशा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के इक्वल बन जाएगा, तो दैट इज़ ये 1 हो जाएगा, और दूसरा पार्ट बच्चों 2xy की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी 4√3। तो xy यहाँ से हमारे पास 2√3 आ गया,
और एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चे, ये दो इक्वेशन फाइनली हमारे पास आ गई। मुझे ऐसे दो नंबर सब ढूंढने हैं जिनकी प्रोडक्ट टू रूट थ्री के इक्वल आ जाए और स्क्वेयर्स का जो डिफरेंस है वो वन आ जाए। तो आप यहाँ से ज़रा निकालने की कोशिश करिए, ये पेयर्स जो हैं साफ साफ पड़े हमें दिख भी रहे हैं। अगर ये हम एक्स समझ लें और ये क्या समझ लें बच्चों, वाई, आप इसको यहाँ रख करके देखिए, एक्स की जगह क्या टू, तो टू स्क्वेयर माइनस वाई की जगह क्या है रूट थ्री स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फोर माइनस थ्री दैट इज़ वन। तो ये जो हमने इसको सोल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड की हमारी वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की क्या आ गई बच्चों, वन आ गई, और राइट हैंड साइड भी हमारी क्या है वन, तो वन इज इक्वल टू वन, दैट इज इसने वैल्यू को सेटिस्फाई कर दिया। तो ये हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज हो गई। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से आपको कह सकता हूँ बच्चों कि ये वैल्यूज जो है ना आपको जो प्रोडक्ट में मिलेंगी, ये एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ छिपी हुई हैं। इसमें तो हमें साफ ही दिख रहा है कि एक्स टू हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा रूट थ्री। अब रूट ऑफ दिस नंबर क्या बताया था हमने बच्चों, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स की वैल्यू टू प्लस रूट थ्री आयोटा और प्लस माइनस। तो ये एक छोटा सा आपका क्वेश्चन रहेगा बच्चों, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। देखिए आपको रूट निकालना है वन प्लस फोर रूट थ्री आयोटा का बच्चों, तो आपको समझाया क्या है मैंने अभी, ये किसके इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स टू एक्स वाई के। यहां से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, एक्स वाई टू पे काट करके इसको, तो ये टू रूट थ्री और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ से आपका एक छोटा सा काम बचता है बच्चों, इस प्रोडक्ट में से ऐसे दो पेयर्स निकालना कि वो इस वैल्यू को क्या कर दें सेटिस्फाई। और यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है कि एक्स को हम क्या ले लेंगे टू और वाई को क्या ले लेंगे रूट थ्री। तो यहाँ एक्स की जगह टू स्क्वेयर माइनस रूट थ्री स्क्वेयर आप करते हैं तो फोर माइनस थ्री दैट इज़ वन, तो लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि एक्स टू आ जाएगा और वाई क्या आ जाएगा रूट थ्री। तो इस तरह से हमारा जो स्क्वेयर रूट ऑफ द नंबर है प्लस माइनस स्क्वेयर रूट के साथ हमेशा लगता ही है टू प्लस रूट थ्री आयोटा, तो दिस इज द फाइनल आंसर। एक दो क्वेश्चन बच्चों हम और प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन लिखने वाला हूँ आपके लिए, आप एक बार इसको खुद सोल्व कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। जैसे क्वेश्चन है बच्चों सेवन प्लस ट्वेंटी फोर आयोटा, एक क्वेश्चन मैं सोल्व कर देता हूं आपके लिए, उसके बाद आप खुद ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको ये बताया कि ये किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर सेवन आ गया आपका बच्चों, यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। और यहाँ से टू एक्स वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों ट्वेल्व। तो यहाँ पे हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं बच्चों कि उनके स्क्वेयर्स का जो डिफरेंस है वो 7 आ जाए। अब 12 के फैक्टर आपके 4 एंड 3। अब मुद्दा आता है बच्चों कि x को हम 4 लें कि 3 लें। अब देखिए x स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर 7 प्लस का नंबर आता है, दैट इज x बड़ा रहेगा। तो यहाँ से मुझे हिंट मिलता है कि ये वैल्यू मुझे x के लिए लेनी होगी और ये वैल्यू मुझे y के लिए लेनी होगी। तो यहाँ पे x की जगह 4 स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर अगर रखते हैं 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 सेटिस्फाई कर दिया, दैट इज ये हमारे क्या रहेंगे x और y। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट प्लस माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, दिस इज द आंसर। तो ये इतना सा क्वेश्चन आपका रहेगा बच्चों। एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे जरा, जैसे क्वेश्चन है आपके पास बच्चों इस बार 5 माइनस 12 आयोटा, तो मैं आपको एक मिनट का समय देता हूँ, आप सोल्व करिए ज़रा, देखिए आपको कितना समझ आया है। अगर आपको उससे ज़्यादा समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके सोल्व कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद ट्राई करें, उसके बाद मैं कराता हूँ।
देखिए करते हैं, यहाँ से ये आपका एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर हो जाएगा और ये जो है आपका 2xy माइनस 12 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से ये आपका 6 हो जाएगा, तो xy इज माइनस 6। तो 6 के जो फैक्टर हैं वो 2, 3 या 3, 2 कह लीजिए आप कुछ भी, माइनस साथ में रहेगा बच्चों। देखने वाली बात ये है कि इसमें से x क्या लेंगे और y क्या लेंगे। अब हमें दिख रहा है कि इस बार जो है आंसर फिर से हमारा क्या है, 5 प्लस में है, तो x की वैल्यू इट मीन्स बड़ी हमें लेनी होगी, ये लेना होगा। तो यहाँ पे 3² माइनस 2², तो ये 9 माइनस 4 इज 5 सेटिस्फाई कर दिया बच्चों। तो ये हमारी वैल्यूज रहेगी। प्लस माइनस आप जिसके साथ चाहे मर्जी ले सकते हैं, एक्स के साथ लें, वाई के साथ लें, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर रूट के लिए प्लस माइनस लगाने वाले हो। आप एक बार जब माइनस करोगे तो उसने साइन चेंज करना है। एक्स अगर आपने माइनस लिया तो वो उसको एक बार प्लस करेगा, एक बार माइनस करेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस आप जिसके साथ मर्जी लगा लें बच्चे। तो माइनस 3 प्लस 2 आयोटा लिख दीजिए, या फिर प्लस माइनस 3 माइनस 2 आयोटा। आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों, इस प्लस माइनस को जब आप खोलेंगे तो दोनों बार सेम आंसर आपको मिलेंगे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, दोनों आंसर सेम ही है। माइनस इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए। देखिए अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए तो आपके लिए मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ बच्चों, ये आप कर लीजिए, इसके बाद ये टॉपिक आपका फाइनल हो जाएगा। क्वेश्चन है माइनस 2 प्लस 2√3 आर टा, ये सोल्व करके देखिए। आप वीडियो को पॉज करके सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, मैं तब तक सॉल्यूशन करवा देता हूं बच्चों। अगर आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद फिर फॉरवर्ड कर लीजिएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 2xy इज इक्वल टू 2√3। तो यहाँ से xy इज √3, तो √3 इंटू 1 भी कह सकते हैं बच्चे। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज माइनस 2। यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा है बच्चों कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर नेगेटिव आया हुआ है, इट मीन्स y जो है वो ग्रेटर रहेगा और ग्रेटर नंबर इनमें से कौन है, √3। तो y की वैल्यू √3 लेंगे और x की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, 1 लेंगे। तो 1² इज 1 माइनस √3² 1 माइनस 3 माइनस 2 सेटिस्फाई किया बच्चों। तो ये आपका क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा y, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 प्लस √3 आयोटा। तो इस तरह से बच्चों आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वेयर रूट निकाल सकते हैं। इसमें एक टाइप बचती है बच्चों जो बहुत आसान है बट आपको कंफ्यूज कर सकती है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आ जाता है स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 2 आयोटा। अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये उस फॉर्मेट में तो नहीं है, ये 3 प्लस 2 आयोटा नहीं है, 3 माइनस 2 आयोटा नहीं है, इस टाइप का नंबर नहीं है। तो इसका स्क्वेयर रूट जो है हम किस तरीके से निकालें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। देखिए नंबर हमारा क्या है, माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, या जो आगे वाला जो हिस्सा होता है, जो विदाउट आयोटा हिस्सा होता है, वो क्या है बच्चों, 0 है। तो सॉल्यूशन देखिए, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर रियल पार्ट के इक्वल रखते हैं हम, और रियल पार्ट यहाँ पे है नहीं तो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे बच्चों। और 2xy क्या रहेगा, माइनस 2। तो xy क्या रहेगा, माइनस 1, और माइनस 1 को आप माइनस 1 इंटू 1 कह सकते हैं बच्चे। तो यहाँ से ऑब्वियसली 0 डिफरेंस आना चाहिए और प्रोडक्ट 1 आनी चाहिए, तो वैल्यू क्या रहेगी, 1 और 1। ठीक, तो यहाँ से आप वैल्यूज अगर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस 1 आयोटा या आयोटा, ये आपका आंसर है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं है बच्चे, इस तरीके से निकल जाएगा। इसकी जगह अगर खाली आपके पास नंबर मान लीजिए 2 है, तो इसका भी स्क्वेयर रूट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये था आपका स्क्वेयर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर के आने हैं पोलर फॉर्म
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आने की बच्चों संभावना रहती है। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 2+3 आयोटा दे करके उसका एम्पलीट्यूड पूछ लिया जाता है, मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाता है, तो या फिर कह दिया जाता है कि इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो ये हम जल्द ही आपको कल या परसों में नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे बच्चा। थैंक यू।